ये देखो लालू आ रहे हैं, ये लालू आ रहा है, लालू लालू। तो ये पराठा भी शर्मा जी लगभग रेडी हो गया? हाँ, ये रेडी हो गया, अभी हम उनको निकाल लेंगे, उतार लेंगे। ओके शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आटा तो लगा लिया आपने? हाँ, आटा लगा लिए हैं। तो आज हमारा क्या बनने जा रहा है शर्मा जी? आज हम बना रहे हैं पनीर पराठा और आलू का पराठा, जिससे कि पहले भी मैंने एक बार आपको बताया था आलू का पराठा। ओके, इस बार आलू का पराठा कम पनीर का पराठा के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। ओके ओके, तो चलिए शुरू करें जी। पनीर पराठा के लिए काटिंग रेडी है, कांदा काट लिया, गाजर को ग्रेट कर लिया, उधर हरी मिर्ची है और इधर है फ्रेश पनीर है। आटा रेडी हो गया। सबसे पहले तो हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे, क्यों शर्मा जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं जी, सेम वही प्रोसेस। नमक पहले डालेंगे, नमक अब डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, क्यों शर्मा जी बराबर ना? नहीं, धनिया पाउडर। ओके, धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, अभी डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। बस मसाला का काम हो गया शर्मा जी? हाँ जी, मसाला का काम हो गया। ओके, जिंजर नहीं डाला आपने? मिर्ची बारीक नहीं, पनीर कम रहेगा। आलू पराठा के लिए आलू का मसाला इधर रेडी हो गया और पनीर पराठा के लिए ये पनीर भी रेडी हो गया। चलिए अभी इसको बनाएंगे। आटा का लोई बेल लेंगे, आटे में पहले तो पनीर का मसाला भर दिया शर्मा जी ने एकदम अच्छे से, अभी इसको स्टॉपिंग करना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या स्पीड है, रफ्तार है। रेडी शर्मा जी? हाँ, स्टॉपिंग रेडी। आवाज़ क्यों कम हो गया आपका? रेडी हो गया है। ओके, इसको भर के रखेंगे। ओके जी, ओके। पराठे आपको बनाने हैं तो अपन दोनों पराठे जो है पहले अंदर जो अपने पनीर का बनाया है जो वो अपन भर के रख लेंगे जी, उसके बाद फिर तवा चढ़ाएंगे। ओके, अभी आप मुझे देखो मैं कैसे बेल रहा हूँ, ठीक है जी। और आटा जो है मैंने पहले लगा करके अच्छी तरह मल करके मैंने उसको 2-4-10 मिनट के लिए रख दिया था जी। ओके, अभी ये देखिए आप, इतना आटा उतना ही क्या होता है स्टॉपिंग पनीर, स्टॉपिंग पनीर उतना ही लिया हूँ मैं, ठीक है। और इसको देखिए, वाह 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 वाह, चलो अभी इसको बेलेंगे। लोई को आटा में दबा लिया शर्मा जी ने, आटा से उसको नहला दिया है, अभी एकदम आराम आराम से बेलेंगे इसको। पराठा रेडी, तवा भी चढ़ा दिया, ये आ गया पराठा। शर्मा जी क्या लगा रहे हैं ये आप? ऑयल लगा रहा हूँ इसमें। ओके, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैंने सेक लिया हूँ जी, उसके बाद इसमें ऑयल लगा रहा हूँ। घी भी लगा सकते हैं जो चाहो आप, बटर में सेक सकते हो, देसी घी में सेक सकते हो, डालडा में सेक सकते हो, रिफाइंड में सेक सकते हो, और प्लस सरसों के तेल में सेक सकते हो, जिसमें आपकी इच्छा करे आप उसमें सेक सकते हो आपके स्वाद के अनुसार। ओके, पराठा तो फूक गया एकदम मस्त हो गए। वाह वाह,
पहला पराठा हमारा रेडी होने ही वाला है। चाहे तो आप इसको और ज़्यादा कड़क बना सकते हैं, कुरकुरा बना सकते हैं, जैसा आपको खाना है आप ऐसा बना सकते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ऐसा खाना है तो हमने इसको आप उतार लेंगे, हमारा पराठा ये रेडी हो गया है। ओके, ये हमारा एक पराठा रेडी हो गया। हम दूसरा पराठा भी बटर में सेकेंगे। दूसरा पराठा भी चढ़ा दिया। अभी का पराठा शर्मा जी आप बटर में ही बना रहे हैं? बटर देखिए, बटर है, बटर का क्यूब। हाँ, और ये ध्यान में रखिएगा कि गैस को जब बटर लगाएंगे जी, तो बटर आप पे मेल्ट किया हुआ हो, आप मेल्ट वाला नहीं है, फ्रिज वाला है, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से बटर लगा करके और गैस सिम करके रख देंगे, जिससे नीचे का पराठा अपना जलेना। ओके, वाह। हेलो, ये देखो लालू आ रहे हैं। ये लालू आ रहा है, लालू लालू। तो ये पराठा भी शर्मा जी लगभग रेडी हो गया? हाँ, ये रेडी हो गया, अभी हम उसको निकाल लेंगे, उतार लेंगे। ओके, और ये हमारा दो पराठा बन के रेडी हो गया। तो चलिए अभी इसको काट के दही के साथ खाएंगे। ये देखिए, और ये हमारा बन के रेडी हो गया पनीर पराठा। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, और ऊपर से थोड़ा सा चीज ग्रेट कर दिया। ये देखिए, मैं इतनी बना रहा हूँ, छह बना रहा हूँ जो है, ये नहीं बना रहा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। अच्छा लगेगा तो शर्मा जी के लिए एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना जी, और शर्मा जी को हेलो जरूर बोल देना। हेलो शर्मा जी को हेलो जरूर बोल देना। ओके, सुबह का नाश्ता कैसा लगा? आरामदायक। वाह, सुबह का नाश्ता आरामदायक, खाओ दूध के साथ और खाओ चाय के साथ, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए मिलते हैं, खाकर टेस्ट करके बताइएगा कि कैसा बना हमारा पनीर पराठा। और शर्मा जी उधर आलू पराठा भी बना रहे। और आलू पराठा जो मैं बना रहा हूँ, आपको पहले मैं रेसिपी इसकी बता चुका हूँ जी। बस क्या है कि बच्चे लोग थोड़ा कह रहे हैं कि नहीं आलू का पराठा, तो हमने आलू का पराठा भी हमने चलो बना देते हैं। ओके, बच्चों की फरमाइश के अनुसार आलू का पराठा बनाया है। पनीर के पराठे की रेसिपी मैंने आपको बताई दी है जी। बहुत इजी है, बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है, और